राम राम साथियों, क्या हालचाल। हमारे बदलते हुए कपड़े देख के आप समझ गए होंगे कि गर्मियाँ चालू हो गई है। मजाक कर रहा हूँ, मेरे कपड़े धुले नहीं है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फरवरी में कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं, तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है। सोचा आपको बता दूँ कि इस मौसम में नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर हम क्या क्या सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। एक बार देख भी लो अंदर, आप खिड़की बना रखी है। मुश्किल हो जाता है बार बार। एक बंदे ने कल की वीडियो पर कमेंट करा है, निशुल भी नहीं है, निखिल भी नहीं है, निखाल भी नहीं है, निगेश भी नहीं है, इसका असली नाम है नमन। हमने सक्सेसफुली तुम्हारा नाम बिगाड़ दिया है। खाली नीतीश नहीं है, खुद ही पढ़ लो। कोई नहीं, चलो अब आधार कार्ड पे थोड़ा कराना पड़ेगा। पैसे लगेंगे थोड़े हमारे। ठीक है, ये 10-10 इसके तो हमारे ट्रेन बचनी है। हाँ जी हाँ, बचे। हाँ जी हाँ। तो सारे बीज जो बचे वो स्टेपल करके रख दिए। स्टेपल करके No, wrong answer. हाँ जी हाँ। चलो वो खेलते हैं, पंजाबी वर्जन ऑफ तोता उड़ मैना उड़। ठीक है, आ जाओ तोता उड़। हाँ जी हाँ। मैना उड़। हाँ जी हाँ। मछली उड़। हाँ जी ना। अरे साथियों, जैसा कि आप हमारी कई वीडियोस में देख चुके होंगे, ये हमारा पॉली हाउस टनल है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है, इस पर हमने पन्ने चढ़ा दी तो ये पॉली हाउस बन गया। गर्मियों के अंदर हम इसमें शेड नेट चढ़ा देते हैं तो ये शेड नेट हाउस बन जाता है। खैर, मैं आपको इस पॉली हाउस की एक खास बात बताता हूँ। ये हमारा जो पॉली हाउस स्ट्रक्चर है, इसकी लंबाई है 70 फुट और चौड़ाई है 11 फुट। तो इस 770 स्क्वायर फुट पॉली हाउस के अंदर हमने कितना टमाटर निकाला होगा। अभी इसका टमाटर हार्वेस्टिंग चल ही रहा है और टमाटर तोड़ने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे ताकि ठंड के अंदर अभी टमाटर पे ज़्यादा असर ना आए। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि अगर ठंड पड़ जाती है तो टमाटर के साथ क्या होता है। तो आप इन टमाटर को देख सकते हैं, इनके पत्ते कैसे झुलसा गए हैं। इनके अंदर जो फ्रूटिंग थी वो भी कैसी एकदम सिकुड़ सी गई है, जैसे फ्रीजर में कुछ चीज़ रख के भूल जाओ और फिर बाहर निकालो तो हो जाती है ना। तो ये सारा पाले का असर है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पॉली हाउस के अंदर टमाटर थे उनकी क्या अभी हालत है, और फिर ये भी बताता हूँ कि हमने यहाँ से कितना टमाटर अभी तक हार्वेस्ट कर लिया है। तो साथियों, कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्तों की और फ्रूट क्वालिटी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम पे पन्नी ढकी रहती है और यहाँ पे टेम्परेचर ओपन से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता है, तो यहाँ पे पाले का असर नहीं पड़ा। उसका नतीजा ये निकला है कि सिर्फ ये 170 स्क्वायर फुट पॉली हाउस में से हम अभी तक पर प्लांट अप्रोक्सीमेटली 9-10 kg टमाटर हार्वेस्ट कर चुके हैं। हर हफ्ते इसमें से इतना टमाटर निकल जाता है। ये अभी थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग रहती है, बट अजय चावला जी जो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं वो आ गए हैं, तो मैं उनको अटेंड करने जा रहा हूँ। मूल बात ये है कि आप इतने से एरिया के अंदर, जो कि हर किसी का एक छोटा सा आंगन हो सकता है, 770 स्क्वायर फीट कुछ नहीं होता, उसके अंदर से हमने 3 महीने के अंदर 800 किलो से ऊपर टमाटर निकाला है और अभी भी इसमें 1 महीने से और ज़्यादा लगभग टमाटर निकलेगा। अभी भी आप देख सकते हैं ये हरे टमाटर हो रखे हैं इतने ज़्यादा, और फूल भी आने चालू हो जाएंगे अभी जैसी थोड़ी सी गर्मी आती है। तो मेरा अंदाजन ये है कि यहाँ पे
पर प्लांट 12 से 13 किलो टमाटर निकलेगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर हम 50 रुपए से भी मल्टीप्लाई करें पर केजी टमाटर को, आप जानते हैं हमारा टमाटर तो और महंगा ही बिकता है, बट एक नॉर्मल किसान इतने में मार्केट कर सकता है अगर वो डायरेक्ट ग्राहक को बेचे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सही से खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें काफी मुनाफा है। नमस्कार जी, रामराम जी। तो जब तक अजय चावला जी सब्जियां तोड़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि फरवरी में क्या क्या सब्जी आप लगा सकते हैं। तो साथियों, अगर बात करें फरवरी के मौसम में नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन इलाकों में कौन कौन सी सब्जी आप लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आप घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सारी बेल वाली सब्जियों की प्योर डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, घिया के अंदर गोल वाली घिया भी आती है, लंबी वाली घिया भी आती है, बोतल वाली घिया भी आती है। और दूसरी हमने एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी ये बेल वाली सब्जी है ना, इनको आप नर्सरी में लगाना कोकोपीट के अंदर, पॉली हाउस के अंदर, जब तक कि रात का टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें खेतों में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इनको हम प्योद बना के, यानी कि कोकोपीट के अंदर बीज लगा के और फिर सैपलिंग्स को तैयार करके बाद में इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट खेत के अंदर बीज डालना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको 15 फरवरी के बाद ही लगाना पड़ेगा ये बीज, नहीं तो अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। इसके अलावा आप टमाटर भी लगा सकते हैं। टमाटर में आपने ध्यान ये रखना है कि आप इसमें पिछहती वाली वैरायटी लगाइएगा, वो वाली वैरायटी जो 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी फ्रूटिंग दे देती है। इसके अलावा आप धनिया, पुदीना, पालक, ये पत्तेदार सब्जियां भी लगा सकते हैं अपने खेत में। पुदीना में एक चीज़ ध्यान रखना आप कि पुदीना हम बीज से नहीं लगाते बल्कि जड़ों से लगाते हैं। जब हम अपने खेत में ये सारी चीज़ें लगाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा ही, बट फिर भी आप एक प्लानिंग बना रहे हो तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये वाली सब्जी आप लगा सकते हैं। लिस्ट में आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भिंडी, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, करेला, मूली, मटर, चुकंदर, सेम फली, ग्वार फली, लोबिया फली, सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर और स्प्रिंग ऑनियन अपने खेतों में इस टाइम पे लगा सकते हैं। टेबल रखो, राम राम जी। ये रखो टमाटर, उधर रखो जो बच गया है, ये तराजू अंदर रखो, इसको अंदर करो, सब सामान जहाँ था वहाँ रखो। ये सत्या, ये बंद करो, चाबी रखो, जमा करो। ये आज का व्लॉग हम यही खत्म कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो यार कमेंट में लिख के बताओ। फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।